हेलो एन आई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का आप ही के चैनल जितेंद्र आर्या क्लासेस में। तो आज की स्टूडेंट्स वीडियो जो है वो बहुत बढ़िया होने वाली, सुपर होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल से आपको न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन पूरे टाइम टू टाइम करेक्टली मिलती रहती है। बट अब आपको हमारे चैनल से एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरे पेपर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर के बारे में फुल डिटेल मिलेगी, और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि आपकी स्टडी में पूरी हेल्प कर सकें और आपके प्रॉब्लम्स का हर सॉल्यूशन हम आपको दे सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं आपका क्लास टेंथ के हिंदी के पेपर की, ठीक है। तो आपका पेपर जो हिंदी का कोड होता है वो होता है 201। इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, जो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे इन डिटेल में, कि कौन कौन से चैप्टर से कितना कितना आता है और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। वो पूरा पेपर देखेंगे अब। तो सबसे पहले आप देखिए कविता का पठन। तो बेसिकली क्या है आपका, जो आपका कविता वाला पोर्शन है वो आपका आता है टोटल 25 मार्क्स का, ठीक है। गद्य का पठन मतलब आपका जो लेसन्स आते हैं, जो पाठ आते हैं, वो आपके आते हैं टोटल 35 मार्क्स के। उसके बाद हम देखते हैं लेखन कौशल। जो लेखन कौशल आपका राइटिंग सेक्शन, जैसे कि आपका निबंध आता है, पत्र आता है, ठीक है, तो वो आता है आपका टोटल 30 मार्क्स का सेक्शन आता है। और ये जो आपका व्याकरण है ये आपकी टोटल 10 मार्क्स की आती है। तो आपका पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का हो जाता है। तो इसमें आप देखिए कभी कभी क्या होता है, हर साल का पेपर में कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज होता रहता है मार्क्स के बेसिस पे। कुछ चीज़ें कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे मान लीजिए कभी कभी ये 30 मार्क्स का आ सकता है, ये आपका ये भी 30 मार्क्स का आ सकता है। तो इसमें क्या है, कुछ नंबर बढ़ते भी रहते हैं, कभी कभी कुछ नंबर घटते भी रहते हैं, बट ऑन एन एवरेज आपका इतना तो रहता ही है, क्योंकि पिछले 10 साल के पेपरों का हमने एनालाइज़ किया है और उसका पूरा कंक्लूजन आपको बता रहे हैं। और एक चीज़ और कि मार्किंग स्कीम जो होती है वो पब्लिक एग्ज़ाम और ऑन डिमांड एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए ही सेम होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं पेपर। तो पेपर में देखिए आप, सबसे पहले आपका हिंदी का पेपर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले लिखा हुआ है इस प्रश्न पत्र में 16 प्रश्न हैं और 8 मुद्रिक प्रश्न, मतलब 8 पेज का पेपर है और 16 क्वेश्चन है इसके अंदर। आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना है, या आपका पेपर कोड है, या आपका पेपर सेट दे रखा है। यहाँ पर हिंदी का कोड दे रखा है आपका 201। अब यहाँ पर आप देखेंगे डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको डे और डेट लिखना है एग्जामिनेशन का, और यहाँ पे जो आपके दो इन्विजिलेटर होंगे उनके साइन होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि ये कुछ सामान्य आदेश दे रखे हैं आप सभी के लिए, आपको कुछ फॉलो करने पड़ेंगे इनके नियम। तो सबसे पहले देखिए परीक्षार्थी प्रश्न के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखे। तो आपने यहाँ पे अपना ऑलरेडी रोल नंबर लिख दिया है, तो आपको उसको देखने की अब कोई नीड नहीं है, आपने को ये आपका पूरा हो चुका है। इसके बाद देखिए कृपया प्रश्न पत्र को जांच लें कि प्रश्न पत्र में कुल पृष्ठों की तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या जितनी प्रथम पृष्ठ पर लिखी हुई है। तो आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑलरेडी आपने देख लिया है कि आपके 16 प्रश्न पत्र हैं और 8 मुद्रिक पेज आपने वो चेक कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आपको दे रखा है यहाँ पे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब आपको जो MCQ दे रखे हैं उनमें से कोई भी 4 उत्तर में से आपको एक चुनना है और दी गई उत्तर पुस्तिका में आपको उसका सही उत्तर लिखना है, ठीक है। या आपको नीचे MCQs दे रखे होंगे, उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। चौथा पॉइंट दे रखे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर जो है आपको बाकी प्रश्नों के साथ ही करने पड़ेंगे, आपको उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। और आपका फिफ्थ पॉइंट दे रखा है कि आपको जो आंसर शीट है उसके अंदर कोई भी निशान नहीं बनाने, कोई भी प्रश्न चिन्ह लिखने, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखनी है आंसर के अलावा, वरना आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। और सिक्स पार्ट दे रखे आपको, आपको अपनी पुस्तिका के अंदर ये वाला कोड अपना लिखना जरूरी है, आपको आंसर शीट में आपको ये लिखना कोड लिखना जरूरी है। अब हम देखते हैं आपका पेपर क्या है स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे आप देखते हैं कि हिंदी का वही 201 को आपका ये जो समय है वो 3 घंटे का, और पूर्ण मार्क्स जो आपको 100 मार्क्स, मतलब आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम है और आपका ये 100 मार्क्स का पेपर है। अब इसमें आप देखते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में सभी सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये आपका बेसिकली MCQ यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, काव्यांश का बेसिकली आपका दे रखा है, ठीक है। ये 5 मार्क्स का, इसमें आपको पता है कि हर क्वेश्चन के आगे आपको मार्क्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपका कबीर ने कुम्हार और घड़े के माध्यम से किसके संबंध को दर्शाया है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आप कोई सा भी अपनी मर्जी का टिक कर सकते हैं, जो आपको सही लग रहा है, जो आपके पाठ के आधार पर आपने पढ़ रखा है, कविता आपने पढ़ रखी है। उसके बाद ये आपका ख ग घ ड, तो ये क्या है आपका 5 दे रखे हैं, तो आप इनके सभी के आंसर लिख सकते हैं जो आपको सही लगते हैं। इसके बाद देखिए आपको ये प्रश्न उत्तर आगे कविता के आधार पर, ये आपके 6 मार्क्स के हैं, तो मतलब 6 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और सारे क्या हैं 1-1 मार्क्स के हैं। जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ, बीती विभावरी जागरी, कविता में जागरी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, कवि उसे क्यों जगाना चाहता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये भी आपके पुस्तिका से है, आपके कविता में से, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे, आपको 6 मार्क्स देंगे। इसके बाद देखिए निम्नलिखित काव्यांश, निम्नलिखित काव्यांश किसी पार्ट से लिया गया है, ये आपकी
बुक से ही लिया गया है। आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, या तो आप ये वाला अटैम्प्ट कर सकते हैं या तो ये वाला अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें कवि का नाम उल्लेख, ठीक है, आपको दोनों में से जब भी कोई करेंगे तो आपको कवि का जो है वो नाम लिखना पड़ेगा और उसका जो काव्यांश का काव्य सुंदर है जो उसका अर्थ है वो लिखना पड़ेगा। ये आपको 5 मार्क्स देगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे, चौथा क्वेश्चन है आपका, ये प्रश्न उत्तर है, ये भी आपका किसके आधार पर है, आपकी सारी कविता के आधार पर है, ठीक है। तो इसके आधार पर भी आपको क्या करना है, आपको 2, 3 या 6, मतलब कि आपको कोई भी 3 अटैम्प्ट करनी है, 1, 2, 3, 4 देखें, आपको कोई भी 3 अटैम्प्ट करनी है और वो एक जो आंसर होगा वो 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल आ गया होगा आपका ये 6 मार्क्स का, जो उनसे आपको लगता है कि आपको अच्छा सा आता है वो आप उसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने अगर बुक की कविताएं पढ़ी होंगे, लेसन पढ़े होंगे, तो आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं, अब अपनी तरफ से इनको बना के भी लिख सकते हैं। 5th वाला है, देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। तो इसका जो आंसर है आपको 50 शब्दों में लिखना है, ये वही बीती विभावरी जागरी इसकी कविता के आधार पर जो क्वेश्चन पूछा गया आपको उससे लिखना है, और चंद्र गहना से लौटती बेर कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि प्रेम के लिए प्रकृति को नगरों की अपेक्षा अधिक उपजाऊ क्यों कहा गया है। तो इसमें क्या है, आपको एक पार्ट लिखना है यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर जो आपके 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन थे वो आपका कविता का पठन चल रहा था अभी, तो अब जो 6ठा क्वेश्चन है यहाँ पे आपका गद्य का, मतलब आपके लेसन्स का आ गया यहाँ पे। यहाँ पर फिर से आपके MCQ शुरू हो चुके हैं, ठीक है, वही MCQ में आपको चुनकर आपको जो आपको सही लगता है वो आपको आपके आंसर शीट में लिखना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क दे रखा, क के 4 पार्ट दे रखे, जो आपको ठीक लगता है वो आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है। यहाँ पर बाकी के ख ग आपको यहाँ पर दे रखे हैं और आगे घ ड और च, यहाँ पे आपको 6 पार्ट दे रखे हैं, 6 में से आपको 6 होके आंसर लिखने, अपनी उत्तर पुस्तिका में फटाफट आपको आंसर देने हैं और आपको अपना टाइम जल्दी से जल्दी कवर करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, इसमें अनौपचारिक पत्र के किन्हीं 2 संबोधनों का उल्लेख किया जिसका प्रयोग आप अपने बड़े के लिए करते हैं। तो ये भी आपके पाठ का आधार पर पूछा गया और बिना प्रसव के माँ बन सकती है। तो ये भी आपका रॉबर्ट नर्सिंग होम में बेसिकली आपके चैप्टर था, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपको अटैम्प्ट करना है। इसी वजह से के लिए आपके 7 क्वेश्चन हैं, आपके 7 मार्क्स का, तो मतलब पहले 2 ये रहे, बाकी के आपके जो 5 हैं यहाँ पे दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो इनमें से आपको सारे अटैम्प्ट करने हैं, आपको 1-1 मार्क्स का है ये क्वेश्चन सारे। उसके बाद देखिए आपका 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको कोई एक गद्यांश दे रखा है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको इसके उत्तर देने हैं। ये आपका 5 मार्क्स का है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा 1+2+2 क्या है। तो पहला आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का और ये 2 मार्क्स का है। इसके बाद भी देखेंगे इसके अथवा में भी दे रखा है, तो उसमें भी 3 दे रखे हैं, तो इसमें ये 1 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का और ये भी आपका 2 मार्क्स का है ग वाला, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं आपको, 4 के उत्तर देने हैं इसमें से, वो भी 20-20 शब्दों में। तो ये आपका हो गया 4 2 8, आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और वो हर एक आंसर जो है वो आपको 2 मार्क्स देगा, तो टोटल हो गए 8 मार्क्स। तो आपके 4 क्वेश्चन हो गए, ये पहला हो गया क, शतरंज के खिलाड़ी किन्हीं के कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि मोहल्ले वाले घर और नौकर चाकर तथा शतरंज को के खेल को मनोज क्यों कहते थे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें बाकी आपका ख ग घ और ड, इसमें से आपको कोई भी 4 अटैम्प्ट करने, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे पर अटैम्प्ट करने के। अब इसमें है कि आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 4 दे रखे हैं, इसमें से आपको कोई भी 3 अटैम्प्ट करने हैं, तो 3 3 9, आपको एक आंसर 3 मार्क्स देगा, ठीक है। तो टोटल हो गया ये 9 मार्क्स का। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको कुछ काव्यांश दे रखा है, आपको ये एक यहाँ पे दे रखा है, ये पूरा आपका 5 मार्क्स का है। इसमें कुछ उत्तर पूछे गए होंगे आपसे यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो ये जो आपके उत्तर पूछे गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो इसके उत्तर देने में आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ये आप काव्यांश अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसको आंसर करना भी बहुत ईजी होता है, क्योंकि आपको इसी में से आंसर इसके लिखने होते हैं। 12th वाला है आपका, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका टोटल 5 मार्क्स का है और इसमें आपको क्या है, ये पूरा गद्यांश पढ़ के इसमें जो आंसर पूछे गए हैं आपसे, ये 5 ये आंसर पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको लिखने हैं। तो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आप अगर बुक पोर्शन आपने पढ़ रखा है अच्छे से, तो आप अपनी तरफ से बना बना के आंसर लिख सकते हैं और इस गद्यांश में भी आप अपनी तरफ से बनाकर आंसर लिख सकते हैं, कोई भी आपको मार्क्स कम नहीं देगा अगर आपका आंसर सही होगा तो। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम पूरा टाइम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते हैं। तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारी वीडियोस कैसी लगी और आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की नीड है, तो उसकी वाले की वीडियो भी हम आपके लिए जल्दी से बना के अपलोड कर देंगे। तो आपको सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और हम आपके मोटिवेटर हैं।
हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, इन चीज़ों के लिए हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो अब देखते हैं 13th क्वेश्चन, यहाँ से क्या है, निर्देशानुसार आपको उत्तर लिखने हैं। तो ये बेसिकली यहाँ से आपकी ग्रामर जो है, ग्रामर व्याकरण पार्ट जो है वो शुरू हो जाता है। तो ग्रामर आपकी टोटल होते हैं 10 मार्क्स के, आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं एक एक मार्क्स के। तो देखते क्या क्या दे रखे हैं कि इसमें किसी एक समस्त पद के विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए, तो इन दोनों में से कोई भी एक का समास लिखना है आपको विग्रह करके। संधि विच्छेद करना है वो इन दोनों शब्दों का करना है। इसके बाद ग पार्ट पर देखते हैं कि अ और कु से उपसर्ग का एक एक शब्द बनाना है, ठीक है। इत प्रत्यय लगाकर आपको एक शब्द बनाना है। जो परिश्रम से कार्य करते हैं कौमा वह अवश्य सफल होते हैं, तो इसका सरल वाक्य बनाना है। अध्यापिका कक्षा में पहुंची और बच्चों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने लगी, इसका क्या करना है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। उसके बाद निम्नलिखित काव्यांश के लिए एक एक शब्द लिखिए, तो इन दोनों में से क्या है, आपको पूरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। जो ईश्वर में ना विश्वास करते हो, जो ईश्वर में को न मानते हो, वो होते हैं नास्तिक, और जो जिनके माता पिता नहीं होते हैं वो होते हैं अनाथ। तो बेसिकली आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही आपका आंसर था इनके लिए, ठीक है। दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, या तो अग्नि का या फिर जल के आपको दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। किसी एक मुहावरे का अर्थ आपको वाक्य प्रयोग बताना है, ठीक है। अंग अंग मुस्कुराना या फिर अंगूठा दिखाना, ठीक है। और वाक्य को शुद्ध रूप से लिखिए, इस वाक्य को आपको शुद्ध रूप से लिखना है। तो ये आपको सारे जो हैं वो क्वेश्चन सारे एक एक मार्क्स के हैं, आपको ये फटाफट अटैम्प्ट करने हैं। आपको उसके लिए थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। व्याकरण के तो आप कहीं से भी आ सकते हैं, तो आपको पूरा बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे गद्यांश दे रखा है, तो इसका लगभग आपको एक तिहाई करना है। कितना करना है आपको, एक तिहाई, ठीक है। मतलब आपको उसको छोटा करके इसका छोटा सा सार लिखना है आपको, और इसको क्या कर देना है, एक उचित नाम भी देना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, 15th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, आप अपने भाई को विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र, मतलब आपके जो भाई हैं उनका विवाह है और अपने मित्र को आप उस निमंत्रण पत्र दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको 5 मार्क्स का पत्र लिखना है, या फिर अथवा में एक और है, नगर निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखे, क्योंकि आपकी जो सड़कें हैं वो उखड़ी हुई है, टूटी हुई है, उसकी शिकायत करने के लिए, उसको ठीक करवाने के लिए उनको निवेदन पत्र आपको लिखना है। और एट लास्ट आपका आ जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्द में निबंध लिखिए। तो पढ़ो और बढ़ो, क्या नहीं कर सकती नारी, भारत चांद की ओर, और स्वस्थ जीवन के लिए खेल। तो 10 मार्क्स का है, आप इसको अपनी पूरी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। इसके लिए आपकी थोड़ी मात्रा वगैरह अच्छी होनी चाहिए, आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ज़रूर आएगा, और ये 10 मार्क्स आपको पूरे देगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको जो हमारी पूरी वीडियो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके से चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट्स थे, जो आपका पेपर है वो इसी तरीके से आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें मिलता है मोटिवेशन और हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो थैंक्स स्टूडेंट्स।